ये मद्रास को जीत देते हैं और अगलाई को बंदी बना लेता है। और ठीक ये ऐसा होने पर यूरोप में एक संधि हो जाती है और उस संधि का नाम है एल्ला सापल संधि। एल्ला सापल संधि और एल्ला सापल संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। एल्ला सापल संधि में क्या कहा गया था? एल्ला सापल संधि में यह बात कही कि ये मद्रास है वो किसको दे दिया जाएगा? अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। अब मद्रास अंग्रेजों को दे दिया जाएगा और मद्रास अभी जीता किसने? दुबले ने जीता है। अब तक तो दुबले के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय किस बात से नहीं हो रहा है कि अन्याय ये नहीं हो रहा कि एल्ला सापल संधि में यह बात कही कि ये दुबले ने जो मद्रास जीता है तो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका में एक जगह थी जिसका नाम था लुईस बर्ग। लुईस बर्ग था वो अंग्रेजों के पास था और वो किसको दे दिया जाए? फ्रांसीसियों को दे दिया जाए। तो इस प्रकार ये वैसे तो देखा जाए सैद्धांतिक रूप से उसके कोई अनिर्णय नहीं हुआ, वो बराबर उसका निर्णय हुआ, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो उसके साथ अन्याय हुआ। अन्याय कैसा हुआ? सारे यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसिस से लड़े, उसको तो यहाँ पर युद्ध करना है, बाकी यहाँ राजनीति यूरोप में नहीं करनी, उसको तो अपने यहाँ पर व्यापार करना है, अंग्रेजों के साथ करना है। लेकिन आप ही विचार करो, अगर हर मजदूर किसान घड़ी हो जाए घर ही अपना माइक बोले कितनी अपन सलाह दे, लेकिन भर मरत नहीं पड़े, लेकिन अनावरत अंग्रेजों ने बढ़े तो नहीं, संधि तो बदल हुई। तो यही संधि अंग्रेज कर्नाटक के दूसरे युद्ध का कारण बन जाती है। एल्ला सापल संधि कर्नाटक के दूसरे युद्ध का कारण बनता है और पहला युद्ध होता है वो एल्ला सापल संधि के साथ क्या होता है? समाप्त हो जाता है पहला युद्ध। निकोलस मस्क था